शिवसेना नेता संजय राठौड़ खुद महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जहां राज्य में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, सरकार लोगों से भीड़ ना जुटाने की अपील कर रही है, वहीं इन दिनों विवादों में घिरे मंत्री संजय राठौड़ आज वाशिम जिले में पोहरा देवी माता के मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे। इस दौरान कोरोना के नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग तस्वीरों में नजर नहीं आ रही है। राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए संजय राठौड़ को इस तरह के दर्शनों से बचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में अब राज्य सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वे इस मामले में संजय राठौड़ पर किसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे या नहीं। राज्य सरकार के मंत्री असलम शेख का कहना है कि सरकार ने सभी तरह के कार्यक्रमों पर 8 दिनों के लिए पाबंदी लगाई हुई है। ऐसे में अगर कोई कोरोना के नियमों का उल्लंघन करता है तो वह सजा का हकदार है, फिर चाहे वो कोई मंत्री हो या कोई सामान्य आदमी। देखिए, मुख्यमंत्री जी के आह्वान के बाद, मुख्यमंत्री जी के निवेदन के बाद सभी पार्टी के बड़े लीडरों ने और सभी पार्टियों ने अपना कार्यक्रम रद्द किया। कोई कार्यक्रम जो है आने वाले 8 दिन में नहीं होंगे, क्योंकि आने वाला 8 दिन मुंबई के लिए, जो महाराष्ट्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के अंदर जो है केसेस डबल होने के चांसेस है, केसेस बहुत रैपिडली बढ़ने के चांसेस है। इसी वजह से आज जो है 2-2, 3-3, 4-4 घंटा जो है सारे टास्क फोर्स और सारे सीनियर ऑफिसर्स को लेकर बैठक चल रही है। तो इस तरीके की अगर कोई हरकत करेगा, दी हुई गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं करेगा, फिर किसी भी पार्टी का होगा तो वो कार्रवाई के लिए आपको बता दें कि संजय देवी मां के मंदिर के लिए वाशिम गए थे। इस दौरान उनको देखकर लोगों ने अपना आपा खो दिया और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। माना जा रहा है कि संजय राठौड़ पूजा चौहान आत्महत्या मामले में अपना पक्ष रखने के लिए यहां पहुंचे थे। इस दौरान लगने वाली भीड़ का अंदेशा स्थानीय प्रशासन को और खुद मंत्री संजय राठौड़ को भी था। बावजूद इसके किसी भी प्रकार के एहतियाती कदम नहीं उठाए गए। आपको बता दें कि पोहरा देवी बंजारा समाज की कुलदेवी हैं और संजय राठौड़ भी बंजारा समाज से ही आते हैं। संजय राठौड़ पर बीड की एक बंजारा समाज की 22 साल की लड़की पूजा चौहान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। पूजा चौहान जानी मानी टिकटॉक स्टार भी रही हैं। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने हाल ही में वन मंत्री संजय राठौड़ पर पूजा चौहान मामले में पुणे पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। चित्रा वाघ ने कहा था कि जब पुलिस ने संजय राठौड़ को ना तो गिरफ्तार किया और ना ही उनसे किसी प्रकार की पूछताछ की, फिर बिना पूछताछ के अपनी रिपोर्ट उन्होंने कैसे राज्य सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं है, जिसमें आरोपी से कोई सवाल जवाब ही नहीं किया गया है, तो ऐसी रिपोर्ट का क्या मतलब। आपको बता दें कि चित्रा वाघ ने ही संजय राठौड़ का नाम पूजा चौहान आत्महत्या मामले में सबसे पहले लिया था। उन्होंने कहा था कि संजय राठौड़ के बारे में जो ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उनमें साफ तौर पर राठौड़ की आवाज सुनाई पड़ रही है। संजय राठौड़ किसी से कह रहे हैं कि दरवाजा तोड़कर किसी भी प्रकार से मोबाइल को अपने कब्जे में ले लो। इस तरह की चीत अपने आप में संदेह पैदा करती है। जब तक इस पूरे घटना का संशयित मुख्य आरोपी जो महाराष्ट्र का मंत्री है संजय राठौड़, उसकी इंक्वायरी किए बिना यह अहवाल पूरा नहीं हो सकता। जो 11-12 ऑडियो क्लिप्स बाहर आई है, उसमें साफ तौर से हम सुन सकते हैं कि ये आवाज संजय राठौड़ की है। उसके बारे में अभी तक, क्योंकि वो मंत्री ही बेपत्ता है, पुलिस ने अभी तक उसकी तफ्तीश नहीं की है। मुझे मंत्रियों से भी ये कहना है कि आप बार बार लगातार ये कह रहे हैं कि संजय राठौड़ ये बेगुनाह है, उसके ऊपर कीचड़ उछालने का ये प्रयत्न हम कर रहे हैं और वो आपके संपर्क में है, तो मुझे आपसे कहना है कि वो आपके संपर्क में रहने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने जनता के संपर्क में आना चाहिए, और अगर वो बेगुनाह है तो अब उनकी क्या बेगुनाही है वो बात उन्होंने जनता के सामने रखनी चाहिए, ना कि आपके सामने। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी तब यह कहा था कि बीजेपी के दबाव के चलते ही महाराष्ट्र सरकार इस मामले में जांच करने को मजबूर हुई है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस ने संजय राठौड़ से पूछताछ नहीं की है। आपको बता दें कि पूजा महाराष्ट्र के बीड जिले की रहने वाली थी। वह पुणे में अपने भाई के साथ रहकर पढ़ाई करती थी। घटना के दिन रात के समय पूजा ने इमारत की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी।